चैनल इंडियन यूट्यूबर आया था नबू और आज है सैटरडे। मैंने सैटरडे से ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी उठा क्योंकि सुबह उठ के मैंने वीडियो एडिटिंग किया। वीडियो एडिटिंग करने के टाइम अनम सो रहे थे तो अभी उसी इसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाना लेट हो रहे तो अभी मैं सब उठ गया तब मैंने ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अब ब्रेकफास्ट में बने ब्रेड सैंडविच। सैंडविच सिंपल तरीका से सैंडविच बनाएंगे वो है मैनीस और ओनियन के साथ तो और सिंपल तरीका से सैंडविच बनाएंगे। तो मैंने ब्रेड का बोर ये वाला मैनीस इस तरह का दिया उसका बोर मैंने वो देंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल में है सिर्फ मैंने इस तरह का टमाटो काट कर लिया और देंगे प्याज। मैंने प्याज गोल गोल राउंड से बढ़ के काटना चाहिए था बट इस तरह का काट कर हो गया मेरा तो अब मैंने इस तरह का प्याज देंगे और इस तरह का मैंने वो देंगे टमाटो। और इधर और एक सैंडविच गर्म हो गया तो इसका ऊपर वही मैनीस स्प्रेड कर लेंगे इस तरह का। तो मैंने इस तरह का मैनीस स्प्रेड कर लिया इधर ब्रेड में तो आप मैंने इसको बंद कर देंगे तो इसका ऊपर ये वाला सैंडविच ना बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होता है। इस तरह का बनाया मैंने वेजिटेबल। मैंने हर तरीका के वेजिटेबल के साथ सैंडविच बनाती हूँ तो आज मैंने सिंपल बनाया ओनियन के साथ। तो आप ब्रेकफास्ट में मैं दूंगी अंडा उबाल और यह है सैंडविच। तो सैंडविच भी रेडी तो चलिए फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हम लोग। और एक तो दे दिया ब्रेकफास्ट में अबू को तो और एक मैं बनाएंगे मेरे लिए। और अनम को सिर्फ मैनीस और ब्रेड दिया क्योंकि अनम ऑनियन और वेजिटेबल के साथ अभी खा नहीं पाते अभी छोटा है तो वो खाली खाली खा लेते। उसको जो सैलड है ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है उसको बहुत ज़्यादा ही टमाटो पसंद है तो उसके लिए मैंने थोड़ा रख देंगे वो ये खाएगी और ओनियन अलग से खाएगी। और मैंने सेम टू सेम और एक सैंडविच बना दिया। हेलो व्यूअर्स अब मैंने किचन में आया खाना बनाने के लिए। उसके लिए मैंने अभी मशरूम को काट कर लेंगे। कल रात में जो मैंने देखा वो मशरूम है तो इस तरह का काट कर लेंगे। मैंने क्लीन कर लिया हाफ अभी काट करके फिर मैंने गर्म पानी से फिर क्लीन कर लेंगे क्योंकि मशरूम में जो डाटी होता है ना तो गर्म पानी में ही क्लीन करना होता है। तो इस तरह का मैंने काट कर लेती हूँ इस तरह का और ये वाला पार्ट को मैंने फेंक देंगे। तो मैंने कुछ रखेंगे पकौड़ा बनाने के लिए। मार्केट में मैंने देखा बहुत सारे शॉप में जो पकौड़ा वगैरह शॉप होता है ना उसमें मशरूम का पकौड़ा बनाते तो मैंने इसीलिए आज मशरूम का हाफ सब्जी बनाएंगे और हाफ पकौड़ा बनाएंगे इसका पकौड़ा बनाएंगे। ये मशरूम देखने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है लेकिन एक्चुअली सॉफ्ट है ही नहीं ये बहुत हार्ड होता है और पकाने के बाद भी हार्ड होता है। और दो तीन बार मैंने इसका बनाया था रेसिपी तो ठीक है अभी हो गया कट कर अभी मैं गर्म पानी से इसको धो लेंगे। और मैंने चार टमाटर लिया टमाटर काट करके प्याज एंड टमाटर एंड गार्लिक एंड जिंजर के साथ मैं पेस्ट बना लेंगे मशरूम के लिए। तो इस तरह का मैंने चार टमाटर काट कर लिया और देंगे प्याज जितना चाहिए प्याज उतना ही देंगे मैंने। और मैंने जस्ट एक बड़ा साइज का ओनियन काट कर लिया वही दिया और देंगे गार्लिक और देंगे यह है गार्लिक कितना चाहिए उतना ही देंगे एंड देंगे जिंजर क्योंकि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट नहीं। और मैंने लिया है टमाटो ग्रीन चिली जिंजर एंड गार्लिक एंड प्याज को मैंने पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बना के फिर मसाला बना के फिर मैं बनाएंगे मशरूम। तो और मैंने कट कर लिया यह है पपाया टमाटो एंड कैरेट लिया कट कर लिया
और ये इसका मैं सब्जी बनाएंगे और मैं बनाएंगे शाक भाजी। तो ये वाला शाक मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके धोल के लिया। तो क्या इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं। तो ये वाला शाक मैंने भाजी बनाएंगे और इसको मैंने अभी पेस्ट बना लेंगे। और मशरूम मैंने धोल के और गर्म पानी में भिगो के रखा। तो कुछ देर बाद मैंने फिर इसको क्लीन करके उठा लेंगे। और गर्म पानी बहुत गर्म है, पानी गर्म पानी में देने के बाद ये बहुत जल्दी हार्ड हो गया, देखिए। तो मसाला का पेस्ट हो गया, आप मैं बनाने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने कढ़ाई गर्म करके ऑयल दे दिया, तो टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ऑयल दिया। उसके बाद फोरन देंगे मशरूम बनाने के लिए। ये है जीरा फोरन देंगे। तो जीरा फोरन देने के बाद देंगे मैंने एक काट कर रखा प्याज, छोटा प्याज, क्योंकि मैंने पेस्ट डाल देंगे इसीलिए मैंने प्याज इसी तरह का डाल दिया। प्याज ब्राउन कलर हो गया, आप डाल देंगे सारे पेस्ट। पेस्ट डालने से पहले मैंने जस्ट थोड़ा सॉल्ट देंगे, क्योंकि सॉल्ट देने से जो ऑयल चिपकाते नहीं है। आप डाल देंगे ये वाला पेस्ट जो मैंने पेस्ट करके रखा, सारी चीज़ मिला के। मैंने सारे पेस्ट डाल दिया। तो पेस्ट थोड़ा भुना लेंगे मसाला के साथ, उसके बाद मशरूम ऐड करेंगे। और मैंने जो पेस्ट बनाया गार्लिक जिंजर पोयाचन टमाटो का, तो उसका थोड़ा दिया मैंने, ज़्यादा पेस्ट हो गया तो मैंने हाफ दिया और हाफ बच गया, तो मैंने एयरटाइट कंटेनर में भर दिया। तो अभी इसको मैंने फ्रिज में रख देंगे। और मैंने मशरूम में ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा मटर, ग्रीन पीस। और मैंने पेस्ट को जो टमाटो और प्याज का पेस्ट, सारे मसाला पेस्ट का मैंने इस तरह का भून लिया, देखिए। ऑयल छोड़ दिया, मेरा ऑलमोस्ट भुनना डन हो गया। आप मैंने ऐड करने जा रही हूँ मैंने टर्मरिक पाउडर, कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर मैं ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दिया। अब मैंने ऐड करेंगे जीरा पाउडर, क्योंकि जीरा पाउडर ऐड नहीं किया, हाफ टी 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। और मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैंने ऐड करेंगे मटर, मैंने मटर दिया क्योंकि मटर के साथ बनाएंगे। अब मैंने ऐड करेंगे मशरूम, अब मैंने ऐड कर दिया मशरूम। तो मसाला के साथ मशरूम को मैंने मिला देंगे। तो आप ऐड करेंगे मैं गरम मसाला पाउडर, ये है एवरेस्ट का गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला ऐड कर दिया, अब मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी मैंने ऐड कर दिया, अब मैंने इसको लिट बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, तो मशरूम पानी से पक जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए, उसके बाद रेडी हो जाएगा मशरूम काली। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने 10 मिनट के लिए जो लिट बंद करके पकाया, कुक कर लिया, अभी मशरूम रेडी है और इस तरह का ग्रेवी हो गया। तो जहाँ थोड़ा ग्रेवी रखना चाहिए, क्योंकि राइस के साथ खाना है, तो इस तरह का ग्रेवी से आप रोटी परोठा जो भी नान के साथ खा सकते। तो अभी रेडी हो गया मशरूम का रेसिपी, अभी रेडी हो गया मशरूम का करी, जो बहुत ही टेस्टी एंड यामी बना, देखिए बहुत ज़्यादा ही कलर भी आया ठीक से। तो मैं आप सर्व करके दिखाएंगे। तो ये है आज का मशरूम का रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए घर में इस तरह का बनाना। तो मैंने तो अभी टेस्ट नहीं किया, तो अभी मैंने सर्व करूँगी, देखते हैं कैसे टेस्ट हुआ।
तो मैंने सर्व कर दिया ऑलरेडी राइस के साथ, तो खा के बताइए कैसे बना। और फ्रेंड्स अनम को देखिए, अनम बाहर गया तो बाहर से लॉलीपॉप ला के, वो जब तक वो नहीं सोएंगे तब तक लॉलीपॉप लेके घूमेंगे। और बताओ कैसे बना, खा के देखते हैं पहले। अनम देख रहे एकदम यम्मी है, खाते तो नहीं, बहुत टेस्ट है। जब लाया था कितना सॉफ्ट था, अभी कितना हार्ड और इतना यम्मी है। मम्मा, मम्मा, अनम अनम डार्टी ड्रेस मत पहनो, अनम अभी डार्टी ड्रेस पहनेगी। तो देखिए बहुत ही टेस्टी बना मशरूम। तो फिर जरूर इस तरह का मेरा जैसे रेसिपी बनाने ट्राई किए, मैं मेरा तरीका से मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया, तो कमेंट करके बता दीजिए कैसे बना। फिर चलिए अनम को अभी खिलाना है, इसके लिए मैंने खाना बनाया, कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ड्राइंग फोरिंग करके सुबह में रख दिया। तो मैंने ब्रेड दिया अनम को सुबह ब्रेड मैनिस, तो बिल्कुल नहीं खाया। अनम ऐसी है, सिर्फ और सिर्फ वो लॉलीपॉप लेके शादी में घूमेंगे, उसको लॉलीपॉप हाथ से लेना पड़ेगा, फिर 30 मिनट वो रोएगा, फिर उसको खिलाना पड़ेगा। ये है रूल्स अनम का, अनम का रूल्स नहीं, अनम का आदत है लॉलीपॉप छोड़ेगा नहीं और इसको लॉलीपॉप देना भी नहीं, क्योंकि इसको खाना और स्ट्रॉबेरी खाना है। या हेयर बैंड देखिए कितना वाइट क्यूट सा, ये किसका है, ये अनम का, बाबा अनम का एक भी सामान किसी को पकड़ते नहीं देते। मुझे दो ना मम्मा थोड़ा प्लीज, नम नम नम, देखिए ठीक है, अभी लॉलीपॉप फेंकेगा ना तो और भी अच्छी होगा, क्योंकि अनम को लॉलीपॉप मुझे देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तुम काम करो उसको फटाफट फिनिश कर दो। हेलो व्यूअर्स, अभी मैंने दोपहर के बाद, अभी बाज रहे 5:30, 10 मिनट बाकी दोपहर के बाद, मैंने अभी वीडियो ऑन किया, तो दोपहर में लंच करके फिर अनम सो गया। आज सैटरडे है तो अनम सो गया लेट में, अनम 4 बजे सोया था, अनम आज अनम 4 बजे सोया, पता नहीं कब नींद से उठेगी। तो अब मेरे थोड़ा काम था मैंने कर लिया, तो अब मैं जाएंगे छत पे कपड़ा उठाने के लिए, क्योंकि छत में कपड़ा नहीं देते आजकल, मैंने तो आज दे दिया सनुक। और छत पे अभी सिर्फ हमारे ही कपड़े हैं, तो ये कारपेट दे दिया धूप में, क्योंकि पानी गिरा था कल, इसीलिए वही कारपेट बहुत ज़्यादा ही वेट है, तो मैंने अकेले ले जाओ पाऊँगी कि नहीं पता शायद, क्योंकि मैं हर टाइम लेकर ले जाती ना बहुत ज़्यादा वेट लगते। तो यह है कपड़ा, कपड़ा उठाने से पहले मैं थोड़ा इधर का व्यू देखा थी, वो देखिए अभी 2 दिन से बारिश बारिश हो रहे थे, परसों बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो देखिए एक दिन बारिश में ही ऐसे वेदर ऐसे हो जाते, पता नहीं आगे से बारिश का टाइम आएगा तो क्या होगा। ये देखिए रेटू वाला इधर, तो मैंने जब छत पे आती हूँ ना तो सारे प्लांट वगैरह दिखाती हूँ जो आंटी लोग लगाया छत पे। देखिए ये वाला रोज, वाओ सो ब्यूटीफुल पिंक कलर। और ये वाला देखिए, यह है चाइना रोज, यह है चाइना रोज, ये भी चाइना रोज का है। और ये वाला देखिए बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, और इसमें ना 2 कलर का फ्लावर एक साथ में, एक है पिंक एक है पर्पल कलर, तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाला क्या मुझे पता नहीं इसका नाम, पता नहीं क्या है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये वाला प्लांट ना मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका खुशबू बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और अब जा रही हूँ मैं कपड़ा उठाने के लिए, मैंने ये पैकेट लेके आया कीपी रखने के लिए, तो इसमें इसको ना मैंने कीपी बोलती हूँ, ये अनम का ड्रेस है स्कूल का, क्योंकि अनम इसको कीपी बोलते हैं ना, तो अनम के साथ साथ मैं भी इसी आदत पड़ गया, मैं कीपी बोल दिया। और इधर का व्यू देखना है एक बार, ये देखिए इधर है राजमला का मैदान,
चलो फिर सब उठा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अनम अनम बात कर दो, फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अनम को, अनम अभी मैंने बहुत देर बाद फिर कैमरा ऑन किया। अनम नींद से उठ गया तो उठ के बाहर गया घूमने, घूम के फिर आया तो अभी अनम खेल रहे दल के साथ। दल दिखाओ, हे दर्पण का नाम अनम ना बाहर थोड़ा बहुत आवाज़ होते है तो डर के ऐसे भाग जा के आस भाग भाग के मेरे पास आते। अनम ने डरपोक है, थोड़ा भी आवाज़ होते ना तो डर के भाग भाग के आ जाते। तो उठो 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 अनम, अनम क्या खाया तुमने आज शाम में बोलो तो, अनम क्या खाया? ओ अच्छा, अनम ने बाहर गया ना तो अम्ब्रेला चॉकलेट लेके आया, वही खाया अनम का आज स्नैक्स टाइम में। ओके चॉकलेट भी खा लिया। आप क्या खाना है अनम डिनर में? डिनर में क्या खाओगे ठाकुमा? व्हाट ठाकुमा क्या होता है? व्हाट इज दिस? अनम बाहर गया घूमने तो ये वाला बर्फी लेके आया, ये वाला कैशू नट का बर्फी तो बहुत ही टेस्टी है, नियामी होता है ये श्री कृष्ण भंडार का। तो अनम को दिया, अनम खाया नहीं बर्फी। अनम को कुछ भी खाने के मन नहीं करते, हमेशा अनम को भी नहीं बोलते मम्मा मुझे भूख लगी। अनम ना अकेले अकेले खेलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। यदि क्या अनम जो अनम का बचपन का जो ड्रेस है तो वो एडोलेसेंट को निकाला और इसको पहनने के लिए रो रहे, क्योंकि ये अनम छोटा होगा, ये अनम का होगा ही नहीं। ये 1 ईयर जब था अनम तब का ड्रेस, अभी अनम तो ठीक है। फ्रेंड्स गुड नाइट, और प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ जो जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करने के लिए थैंक यू सबको जो जो कमेंट करते हो, और फिर कमेंट कर दीजिए हम वीडियो देखने के बाद। और प्लीज़ प्लीज़ हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देख लीजिए ताकि हमें अच्छा लगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे मैंने और अनम को दिखाएंगे क्या करते दिन भर। चलो फिर गुड नाइट्स, बाय।